अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इशाल खान और आप देख रहे हैं द स्टाइलिश मोड। फ्रेंड, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्यूने टिंटा कलर 8.19 पर है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये गाइड करूँगी कि 8.19 एश ग्रीन जो ट्यूब होती है हमारी क्यूने में टिंटा कलर की, वो किस तरह यूज़ की जाती है और कौन से बालों में कौन से लेवल पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, ऑनलाइन स्टोर है द स्टाइलिश मोड के नाम से, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें। आप ये वाले कलर या इसके अलावा आप कोई भी चीज़, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप वहाँ पे मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, आपके घर तक आपको जो है आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलें फ्रेंड, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगी कि 8.19 का ट्यूब का कलर क्या होता है। 8.19 पे मैंने पहले भी काम किया है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। एश ग्रीन मैंने जो है एप्लीकेशन करते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगर आपके बालों का लेवल 1 से 6 तक है, यानी कि आपके बालों का कलर डार्क है और आप उन बालों को एश ग्रीन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने किस तरीके से विदाउट कट डाउन एश ग्रीन कलर हासिल करना है। विदाउट कट डाउन आप 8.19 का शेड जो है हासिल करने के लिए लेवल 1 से 6 तक अगर आप डार्क टोन को एश ग्रीन में तब्दील करना चाहते हैं, उसके लिए आपने 30 वॉल्यूम यूज़ करना होगा। 30 वॉल्यूम आपने डबल क्वांटिटी में लेना है। डबल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली बोतल होती है 30 वॉल्यूम की, तो इसमें डबल क्वांटिटी इसलिए आ जाएगा कि ये एक 60 ml की हमारे पास बोतल आती है और ये हमारे पास ट्यूब भी 60 ml की होती है। तो एक ट्यूब में एक डिवेलपर नहीं जाएगा, बल्कि इस तरह की 2 बोतल्स आप ऐड करेंगे, वो भी शेड चेंज करने के लिए। कौन से टोन में? 1 से लेकर 6 लेवल को एश ग्रीन में चेंज करने के लिए आप 30 वॉल्यूम को डबल क्वांटिटी में ऐड करके अपने अपने बालों पे जो है एश ग्रीन शेड ला सकते हैं विदाउट कट डाउन। लेकिन यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि आपको परफेक्ट वो वाला एश ग्रीन नहीं मिलेगा जो बहुत लाइट टोन में जाता है, ठीक है, या आपको सेम ये शेड मिलेगा जो मैं अभी आपको कार्ड में दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे आप कार्ड पे देख सकते हैं कि ये वाला शेड हमें जो है हासिल करने के लिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट टोन में है, परफेक्ट आपने ये वाला टोन हासिल करने के लिए वही बात आ जाती है कि इसके लिए फिर आपको कट डाउन करना पड़ेगा। कट डाउन के लिए मैं आपको एक न्यू तरीका बताती हूँ कि कट डाउन आप 20 वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए अल्टीमेट ब्लॉन्ड, पावर ब्लॉन्ड, मैजिक ब्लॉन्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो आप उसके साथ भी कीजिएगा, तो 20 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। 40 वॉल्यूम आप ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, वो आपने वॉश कर देना है। फिर वही बात आती है कि 20 वॉल्यूम के कट डाउन के बाद 30 वॉल्यूम फिर आपने ऐड करना है और उसके बाद आपको लाइट टोन में ये शेड अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 7 से 10 तक, ठीक है। 7 से 10 जो है हमारा नेचुरल ही लाइट होता है, ठीक है, हमारे हेयर लाइट टोन में होते हैं, उन्हें कवर करना बहुत इजी होता है। अगर हम उन पर फैशन शेड करते हैं तो हमें इजीली जो है कलर मिल जाता है। 7 से 10 तक हमारे बालों का कलर अगर लाइट है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 30 वॉल्यूम डिवेलपर विदाउट कट डाउन आपने ये 1.5 आपने ऐड करनी है। 1.5 आपने ये वाला डिवेलपर ऐड करना है, यानी कि एक पूरी बोतल जाएगी और एक आपकी हाफ जाएगी, हाफ इतनी होगी आपकी, ठीक है। और 8.19 की पूरी एक ट्यूब आपने लेनी है, उसमें आपने ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपके बालों का लेवल 7 से 10 तक अगर है और विदाउट कट डाउन आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, बैक के बालों से स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन करनी है, 1 घंटे से ज़्यादा आपने टाइमिंग रखनी है, उसके बाद आपने वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आप अपने बालों को ड्राई जो है ड्राई के साथ मत किया करें, उससे ये होता है कि आपका ड्राई जो डाई के बाद आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होने का खतरा होता है। इसीलिए आप जो है नेचुरल जो हमारी एयर होती है उसी पर आप छोड़ दिया करें, ठीक है, टॉवल कर लिया करें ताकि आपके बाल जो है खुद ही ड्राई हो जाए। अब दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर कि आपके बाल जब भी आप डाई करते हैं 30, 20, 40 वॉल्यूम अपने बालों पे यूज़ करते हैं, उसके बाद बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके बाल जो है ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होने का खतरा होता है, ये हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो ये किन सूरत में होता है ये मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बालों के रूट्स पे, स्केल्प पे बिल्कुल भी 40 और 30 वॉल्यूम मत यूज़ किया करें, उससे आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और बाकी रह गई बात कि आपके बाल जो ड्राई होते हैं, उसके लिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप जो है जब भी आप अपना डाई कर रहे होते हैं, डाई से पहले यानी कि जब आप अपना मटेरियल रेडी करते हैं, उसके लिए जो है डाई प्रोटेक्ट जो है हमारे पास एक सीरम आता है, ठीक है, वो भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप वो जो है सीरम भी उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपके बालों को प्रोटेक्ट करे, वो आपके बाल मज़ीद ड्राई और डैमेज ना हो। तो चलें फ्रेंड, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।